वेलकम एंड नमस्ते, मैं हूँ संजीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और पूजा की शॉपिंग, घर के काम सब में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। तो अभी ना शाम हो चुकी है, 6:30 के आसपास हो गया होगा। तो मैं अभी आई हूँ टेलर, क्योंकि आप लोगों को मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपने लिए एक कुर्ती लिया था और बाकी मम्मी जी का साड़ी वगैरह कुछ फॉल्स पिक को करवानी थी। तो अगर आज नहीं देती ना तो बाद में टेलर आंटी भी नहीं लेती, तो इस वजह से मैं आज आ गई देने इन सबको। तो कुर्ता भी फिटिंग्स करवाना पड़ेगा, उसका पैंट भी, फिर प्रीत का एक ड्रेस है वो पैंट है वो भी फिटिंग्स करवाना था। तो बस इसीलिए मैं आ गई। ऊपर से आंटी ने नया फ़ोन लिया था तो वो मुझे दिखा रही है, क्योंकि उनका ना पहले का फ़ोन जो है कुछ ही दिन पहले गिर के पूरा ख़राब हो गया, डिस्प्ले पूरा ख़राब हो गया था। तो बस वही दिखा रही थी वो। और यहाँ पे आंटी मेरे कपड़े निकाल रही है, जो मैंने पहले ऑलरेडी दे दिया था वो हो चुका था, आंटी ने मुझे दे दिया। उसके बाद में मैं गई थी कॉस्मेटिक शॉप में, पर मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं। सिर्फ मैं एक क्या आईब्रो पेंसिल ब्लैक कलर का मेरे पास नहीं था, वो लेके आ गई। सो मैं आ चुकी हूँ टेलर से और प्रीत बैठ चुका है, उसका एग्ज़ाम आज लास्ट उसका एग्ज़ाम है, मैथ्स है तो वो तो आराम से कर सकता है। और यहाँ पे हमारा ब्लैक टी, और यहाँ पे मम्मी जी निकाल रही है भुजिया, साथ में और एक मिठाई है गोजा। अभी बसो 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 ठंडी देखा भैया जो गोजा मम्मी जी खा रही है। और यहाँ पे चाय, भुजिया और हमारी पार्टी हो रही है, हम लोग पार्टी कर रहे हैं अभी। और मेरे हस्बैंड नहीं है घर, वो टूर में गए हैं, कल गए हैं वो, तो वो शायद दो दिन बाद आएंगे, संडे को आएंगे, संडे आएंगे, संडे मॉर्निंग में आएंगे वो। हम लोग ऐसे बात करते हैं नॉर्मली घर में, भुजिया ना भुजिया ना गोजा गोजा ना। बच्चों के साथ अच्छे से बात करते हैं, पर हम लोग बड़े जब बात करते हैं पूरा एकदम सिलेटी, क्योंकि और ऊपर से हम लोग सिलचर के हैं। पूजा का मान त्यौहार, अगर थोड़ा कम कम खाओगे तो नहीं होगा, एकदम मिठाई विठाई सब कुछ खाना चाहिए हमारे घर में, दबा के खाना चाहिए, जितना उस वजन बढ़ता है बढ़ने दो, पूजा के बाद घटा लेंगे, फिलहाल तो खा के एंजॉय करो। और आज तो रियो की पार्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, डिब्बा खुला मिला वो भर भर खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उसको चाहिए था, मम्मी जी ने ना अपने प्लेट से उसको इतना सा दिया, देखिए वो पूरा गुस्से में पूरा गिरा दिया पूरे फ्लोर पे। उसके बाद में उसको अलग से देना पड़ा बाटी में। तो चलिए फिलहाल हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद में दिखाऊंगी जो मैं टेलर से क्या लाई हूँ। वैसे जूता भी खरीदना था, कॉस्मेटिक भी लेना था, पर रियोप्रीत के वजह से आना पड़ा, क्योंकि उसका पेंसिल ख़त्म हो गया था, तो मैं लाइब्रेरी गई थी पेंसिल लेके फटाफट से आ गई। तो अगर पॉसिबल हुआ कल मैं और मम्मी जी जाएंगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम का टेंशन नहीं होगा। सो देखते हैं, तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में आराम से दिखाऊँगी कि टेलर से मैं क्या लाई हूँ। ठीक है, लाइन में बने रहिए, बोलो चौक मारो चौक मारो चौक मारो। हेलो एवरीवन, अभी कितने बज रहे हैं आप लोगों को पता है? एक सेकंड में दिखाती हूँ घड़ी। दस बीस हो चुके हैं और रियो अभी जस्ट सोया है, ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास वो सोया होगा। और मैं अभी आई हूँ ड्राइंग रूम में और यहाँ पे बैठा है प्रीत, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 3 मूवी, वो देखेगा देख रहा है। और यहाँ पे है मम्मी जी अपनी बहन से बात कर रही है जो कोलकाता में रहती है। एंड यहाँ पे देखिए मैं आई हूँ किचन, मम्मी जी मेकिंग डिलीशियस चिकन फॉर ऑल ऑफ अस।
आज डिनर में बन रहा है प्लेन राइस विथ चिकन कड़ी, कोशा चिकन जिसको बोलते हैं वो वाला। एक सेकंड में कढ़ाई दिखा देती हूँ आप लोगों को बैक कैमरा से। ये देखिए, और यहाँ पे है प्लेन राइस, रियो तो खा चुका है, और यहाँ पे देखिए रियो सो रहा है। अभी जाके फाइनली हमारा घर थोड़ा ठंडा हो गया है, क्योंकि ये महाराज सो चुके हैं। ये जब तक जगह में रहते हैं सबका जीना हराम, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मतलब कुछ नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मतलब इतना ज़्यादा बदमाश है, मतलब इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी, मरता मैं क्या करूँ, खुद को चबा डालूँ या काट डालूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्सा हो जाती हूँ मैं। और यू कैन सी यहाँ पे दो प्लास्टिक है, एक सेकेंड मेरा ट्राइपॉड, हाँ देखिए ट्राइपॉड कहाँ पे है, यहाँ पे है। रियो के वजह से ट्राइपॉड मुझे ऊपर में रखना पड़ता है। और एक कहाँ पे है भाई, हाँ और एक देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे ये सब हाथ में लेता है और बोलता है कि वीडियो कर वो, वीडियो कर वो, उसको भी पता है कि इन सब से वीडियो किया जाता है। और यहाँ पे बड़ा वाला, मम्मी जी बोल रही है भात खा लो रे, मैं बोल रही हूँ मांस देख, मांस देख के हमार पेटे उदुल बुदुल पड़े, मैं मांस चिकन से खाऊंगी। पहले एक साड़ी लिया था येलो कलर में, एकदम सिंपल है, भी नहीं है, तो मैंने इसमें फॉल्स पीको करवाया है। साथ मैंने बनाया है ब्लाउज, ये था इसका ब्लाउज पीस, और एकदम सिंपल है। सामने में राउंड नेक है और बैक साइड में डीप राउंड नेक, और बैक साइड में ओपन है, फ्रंट ओपन नहीं है, बैक साइड मैंने ओपन रखा है। तो ये इसके इस साड़ी के साथ मैच किया हुआ ब्लाउज है। और ये तो मम्मी जी का साड़ी जो मैंने दिया था आज टेलर पे फॉल्स पीको करवाने, तो आंटी ने मतलब ये दे दिया है, बोला है जब बनवाने आओ तो उसको लेके आना। और एक ब्लाउज बनाया है, ये भी राउंड नेक का ही है। मैं ज़्यादा डिज़ाइन वाले ब्लाउजेज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन चलते हैं उसके बाद में सारे पुराने हो जाते हैं, डिज़ाइन भी राउंड नेक हमेशा चलता है। इस वजह से मैंने ये राउंड नेक बनाया है। ये फ्रंट ओपन है, मैंने आंटी को बोला था कि आप अपने हिसाब से बनाना, तो आंटी ने अपने हिसाब से बनाया, उनको पता है कि मैं सिंपल पहनती हूँ, ऐसे है। एक्चुअली ये मेखला का ब्लाउज है, और यहाँ रहा मेखला। एक्चुअली ये मेखला मुझे मतलब मेरी मासी ने दिया है, ये इसका है जो दुपट्टा जो बोलते हैं ना, मेखला का थ्री पार्ट होता है। ये रहा ब्लाउज, और ये वाला गया नीचे का पोर्शन, जिसको फोल्ड करके जो टप करते हैं ना, ये वाला पोर्शन है इसका, ये इसको मैंने सिलवा के लाया है, ये देख सकते हैं, ये है इसका नीचे का पोर्शन। वैसे कलर तो मुगा कलर है, पर नीचे में ऐसा काम किया हुआ है, इस वजह से इसका अट्रैक्शन जो है, ये नीचे का जो डिज़ाइन है ना, पार बोलते हैं इसको, ये है। तो मुझे एक्चुअली मेरून कलर का ब्लाउज चाहिए था, तो लास्ट जब मैं गई थी मार्केट में तो मैंने मेरून कलर का ब्लाउज ढूंढा था, पर मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, और मेरून कलर का मिला ही नहीं, इस वजह से नहीं लिया। तो इसको मैंने फॉल्स लगवा के मैं लाई हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये यहाँ पे फॉल्स लगाया है, इसको भी वही फॉल्स पीको और ब्लाउज बनवाया है। तो मैंने बोला ठीक है, चलो ठीक है, एक वैसे भी मुगा कलर का ब्लाउज अगर आप बनवाते हो ना, तो बहुत सारी साड़ियों के साथ चला जाता है, इस वजह से मैंने बनवा लिया। और कपड़ा जो बहुत अच्छा है, खादी कपड़ा जो बोलते हैं ना, ऐसा है, पर थोड़ा शाइनी है, यू कैन सी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा शाइनी है, मतलब पार्टी वेयर मेखला है। ये सब मुझे ट्राई करके देखना पड़ेगा कि फिटिंग्स वगैरह ठीक से आते हैं कि नहीं, नहीं तो नहीं पहन पाऊँगी, वरना नहीं पहन पाऊँगी पूजा के टाइम।
तो बस ये लिया है, ये दो ठीक करवाने दिया था तो ये सब आ चुका है। बाकी जो ठीक करवाने दिया है वो तो आप लोगों ने देख ही दिया होगा। तो चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो चलिए फिलहाल किचन में मम्मी जी बुला रही है और फटाफट से खाते हैं चिकन और फ्रेंच फ्राइज। কি দিয়ে ভাত খেয়েছো? আলু আর ঝোল দিয়ে। আলু আর ঝোল দিয়ে চিকেন কেন খাওনি? ये ना चिकन नहीं खाता, ये चिकन के आलू और झोल से खा लिया। ये बच्चा चिकन फिश एग पनीर कुछ भी नहीं खाता, बहुत गंदा बच्चा। अंकल अंकल का तो गो का तो चोचो में तो अंकल के चिकन ना मास्टर तो गो का क्या 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 खाई है खाई दिया जो ना क्या बोल रहे हो? मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं इसको छोटे टाइम में मैंने इसको चिकन फिश ये सब नहीं दिया इसलिए ये खाना नहीं सीखा। इतना बदमाश है, मैं जैसे रियो को देती थी उसको भी देती थी ये करता था ना। और तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोले छोड़ो मम्मी कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, गैस हो जाएगा। इस वजह से उसके पापा ने इसको खिलाने नहीं दिया। और रियो के टाइम में मैंने बोला कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोलेगी, तो ये मेरा कुकिंग के फर्स्ट था और फर्स्ट में एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ज़ीरो था, सेकेंड में एक्सपीरियंस पूरा था। इस वजह से मैंने सोच लिया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले मैं रियो को थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। एंड इंटरव्यूज मतलब सब चीज़ों से मिलवाते रहूँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको देती गई। एंड वो मतलब खाना सीख गया। अभी तो वो रियो फिश एग इन सब के बिना रियो खाता नहीं है ऑनेस्टली। या फिर कभी पापड़ फ्राई करके देना पड़ता है, दाल आलू फ्राई हो जाता है तो आराम से खा लेता है। मतलब सब कुछ खाता है रियो, ड्राई फिश भी खा लेता है कभी कभी थोड़ा बहुत। दही रियो को इतना ज़्यादा पसंद है, दही आलू पराठा मिल जाए तो वो मतलब बैठ के बाटी में लेके खाता है, खुद से स्पून में लेके। और ये तो दही छोटा तक नहीं है, ऐसा है, छोटे में नहीं दिया तो अभी तो दे रही हूँ, अभी तो आराम से खाना खा सकता है, पर नहीं खाता है। छोड़िए इसकी बात है, वो कुछ भी नहीं खाता है, वेजिटेबल्स भी नहीं खाता है। तो की माने की सत्य कथा तो बोल तो चलिए यहाँ पे चल रहा है बिग बॉस वर्ल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पे। हम लोग बिग बॉस देखते हैं अभी इस वाले सीजन में, बहुत सारे नॉन फेस है तो अभी इस बार भी हम लोग देख रहे हैं जब से शुरू हुआ है। तो अभी तो देखेंगे, 11:30-12 बजे तक चलता है शायद। कल भी मैंने पूरा एपिसोड ख़त्म किया था तब मैं गई थी और आज भी थोड़ा बहुत देखूँगी क्योंकि आज एडिटिंग भी करना है वीडियो का। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ही पैन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से और एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोलो वो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और मेरी वीडियोस पे खूब सारा प्यार दो। की बोलवो ठीक है। तो चलिए गुड नाइट टू ऑल एंड टेक केयर।